लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवीनबाई के पूर्व महापौर सुधाकर सुनौने ने झोपड़पट्टियों में लॉकडाउन लगाने का विरोध किया है। पूर्व मंत्री के साथ मनपा आयुक्त से मुलाकात में सुधाकर सुनौने ने साफ कहा कि नाई, मोची और स्त्री वाले छोटे दुकानदारों पर पाबंदी लगाने से उनकी रोजी रोटी ध्वस्त हो गई है, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई की बजाय मनपा को मास्क और सैनिटाइजर देकर मदद करनी चाहिए। पूर्व महापौर ने कहा कि झोपड़पट्टी इलाकों में मजदूर रहते हैं जिनसे कंपनी कारोबार चलता है और सरकार को राजस्व मिलता है, इसलिए ऐसे इलाकों में लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। देखिए रिपोर्ट। नवीनबाई महानगर पालिका ने कोरोना की दूसरी लहर को रोकने आंशिक लॉकडाउन लगा दिया है। दिन में धारा 144 के तहत जमावबंदी और रात में नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। इस दौरान अति आवश्यक सेवा से जुड़ी दुकानें छोड़कर बाकी सभी दुकान प्रतिष्ठानों को खुले रखने पर कार्रवाई हो रही है। हालांकि पूर्व मेयर सुधाकर सुनौने ने इसके खिलाफत की है। कल पूर्व मंत्री गणेश नाईक के साथ मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर से मिलने पहुंचे पूर्व महापौर सुधाकर सुनौने ने कहा कि कोरोना शहरी इलाकों में ज्यादा बढ़ रहा है, जबकि स्लम इलाकों में कोरोना को लेकर नागरिक बेहद सावधान हैं। ऐसे में वहां की नाई, मोची और स्त्री आदि की दुकानों को बंद कराना और उन पर जबरन कार्रवाई करना उचित नहीं है। सुधाकर सुनौने ने कहा कि स्लम इलाके में ऐसी दुकानों से हजारों परिवारों की रोजी रोटी चलती है। उन्होंने कहा कि जब कंपनी कारखानों पर पाबंदी नहीं है तो फिर छोटी जीविका चलाने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई क्यों होनी चाहिए। सुधाकर सुनौने ने कहा कि यदि छोटी दुकानें बंद रखनी है तो सरकार को पहले उन पर आश्रित लोगों की रोजी रोटी का इंतजाम करना चाहिए। माननीय आयुक्त साहब से रिक्वेस्ट की है कि झोपड़पट्टी में इलाके में रहने वाले जो लोग हैं, जो छोटे छोटे दुकान है, वो अपनी रोजी रोटी खुद कमाते हैं, उसके ऊपर उनका घर चलता है, उनको किसी भी प्रकार का दंडित नहीं करना चाहिए। झोपड़पट्टी में रहने वाले नागरिकों को मुफ्त में मास्क देना चाहिए, सैनिटाइजर देना चाहिए। जिस शौचालय का वापर वो करते हैं, दिन में 3 बार उसको सैनिटाइज करना चाहिए। ये सारी मांगे हमने कल आयुक्त साहब के सामने रखी है और हम ये चाहते हैं कि झोपड़पट्टी में जितने भी छोटी छोटी दुकानें हैं, राशन का दुकान चल रहा है, भाजी का दुकान चल रहा है, मिठाई का दुकान चल रहा है, लेकिन यहाँ चप्पल का दुकान नहीं चल रहा है, नाई का दुकान नहीं चल रहा है, तो वहाँ उनको दिक्कत तो है ना। उनका दुकान नहीं चलेगा तो उनका चूल्हा चौका बंद हो जाएगा, तो या तो सरकार उनको कुछ चूल्हा जलाने के लिए कुछ दे, या तो कुछ किसी में राहत दे, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए हमने आयुक्त साहब से और राज्य सरकार से दरख्वास्त की है कि झोपड़पट्टी इलाके में किसी भी प्रकार का दंडित मत कीजिए, क्योंकि सरकार को बहुत ज़्यादा साथ दिया है ये झोपड़पट्टी वालों ने। किसी भी प्रकार झोपड़पट्टी में कोरोना का परसेंटेज बहुत कम है और ये सारे लोग, ये जो इधर की ठाणे बेलापुर इंडस्ट्री है वो चलाने वाले लोग है, जिससे राजस्व मिलता है सरकार को, इनको बाधित मत कीजिए, इनको तकलीफ मत दीजिए, ये मैंने कहा है और ये मेरी मांग है। गौरतलब है कि दोबारा लॉकडाउन के खिलाफ नागपुर में आंदोलन शुरू हो गया है। नवीनबई में भी दुकानदार लॉकडाउन के खिलाफ सड़क पर उतरने लगे हैं। रबाले स्लम इलाके के दुकानदारों ने भी मनपा के इस लॉकडाउन की सख्ती पर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि हम दिन भर में 500 रुपए बमुश्किल कमा पाते हैं, लेकिन मनपा अधिकारी दुकान खुले रखने पर 1000 की पेनाल्टी मारते हैं। सवाल ये है कि आखिर हम लोग कैसे जिएंगे। मेरा एक छोटा सा एक कुर्सी का दुकान है दीवाना का अम्बेडकर नगर में, एक ही कुर्सी है। सोशल डिस्टेंस के लिए मैंने जाली भी लगाया। कल नगर पालिका वाला आया है तो मेरे को बोला कि तुम्हारा दुकान चालू क्या, मैं बोला हाँ। बोलते क्यों, मैं बोला मेरे को मालूम नहीं था, शनिवार संडे को चालू रहेगा करके मेरे को मालूम नहीं, मैं चालू रखा बंद कर रहा हूँ। तो बंद करने के लिए बोलने के बाद में बोलते तुमको 2000 फाइन लगेगा, ये लगेगा। तो हमारा प्रतिनिधि साहब को बोला तो वो बोला ठीक है, पहले बोला लाइट बिल माफ करेगा, ये करेगा, वो करेगा, हम धंधा करके खाएंगे कि हमारा घर में दो बच्चे पढ़ने वाले है, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, अकेला है। सोशल कुछ भी और टाइमिंग कम करे तो कम करने के लिए तैयार है। सोशल डिस्टेंस के लिए हमने दुकान में जाली भी लगाया है, हम गद्दी नहीं होने देता है। तो भी एक ही आदमी, एक ही जो घूम के करता है उसको वो करने देता है।
वो घूम के करता है और हमको एक खुर्ची के काम करने के लिए नहीं देता है। कुछ और आपका प्रतिबंध होगा तो मानने के लिए तैयार है, लेकिन अभी हम तो भूखा मरने की नौबत आ गया, क्या करेगा, किधर जाएगा? हमारी सरकार से अपील है, या तो हमको दुकान चालू करने दो, हम सोशल डिस्टेंस के लिए तैयार है, कुछ भी आप बोले वो नियम के लिए तैयार है, लेकिन एकदम बंद कराएगा तो खाएगा क्या? या तो हमको दुकान चालू करने दो, या फिर हमको कुछ आप आपकी तरफ से महीने का कुछ दो, राशन पानी मिलता नहीं, गेहूँ मिलता नहीं, कुछ मिलता नहीं, या तो राशन पानी दो, या फिर महीने का फिक्स पास दे 10-15 हज़ार रुपये महीने का दो, अकाउंट में भेजो, हम बंद रखेगा। हमारा पिंकी हेयर कटिंग सैलून है, एक ही कुर्सी का दुकान है, कुछ आदमी कोई नहीं, मैं अकेले काम कर रहा हूँ, हमको कुछ सहायता दो सरकार की तरफ से, बंद करने से क्या फायदा है? हाँ सोशल डिस्टेंस रखेगा, जाली वाली लगा के रखा सब कुछ, हम लोग फिर भी परेशानी है, महानगर पालिका आएगा ताबड़तोड़ बंद कराएगा, क्या खाएंगे हम लोग, घर में बच्चा पढ़ने वाला कहाँ से फीस भरेगा? हाँ फेरी वाले तो घर घर घूम के बाल काट रहे, हम लोग किधर जा नहीं सकते हैं, इसके लिए हम लोग दुकान छोड़े कहीं नहीं जा रहे, हमको कहाँ से मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।